एवरीवन, आज हम HCF निकालना सीखेंगे। HCF किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों, HCF निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो हम चलते हैं, अगर नहीं आता है तो पहले ऊपर दिए हुए लिंक में जो वीडियो है कॉमन फैक्टर की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सो दैट हम HCF निकाल सके। तो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियोस में कि अगर 2 से कोई डिजिट डिविजिबल होगी, सबसे पहले हम कहां से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। अगर आपको प्राइम नंबर नहीं पता क्या होता है तो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 वन जा 2 एंड 0, यहां पर हमें क्या करना होता है, देखो अभी आप छोटे हैं तो 2 वन जा 2 एंड ये 0, तो 2 0 जा 0। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद यानी कि वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 10 आ गया। जो क्वेश्चन आता है डिवाइड करने के बाद वो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 10 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना क्वेश्चन आ जाएगा, 2 5 10। अब 5 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है। जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद के अलावा और 1 के अलावा, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो 5 1 5, तो ये हमारा फैक्टर निकल गया। अब हम निकालते हैं 24 की। तो 24 को वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको आता है, तो मैं एक बार डिवाइड करके दिखा देती हूँ। पहले क्या करेंगे, 2 से 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारा कितना हो गया, 0 0। देन ये क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया। अगर आपको डायरेक्ट काटना आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। 2 6 12, फिर 2 3 6, तो 3 तो किसी के टेबल में आता, 3 1 3। तो जो ये नंबर्स हैं और ये नंबर्स हैं, ये हमारे फैक्टर हो गए। तो 20 is equal to 2 into 2 into 5, ओके। 24 is equal to 2 into 2 into 3। अब हमें HCF निकालने के लिए, हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। जो नंबर्स पेयर्स में है सिर्फ वो लेने हैं। तो ये 2 पेयर में है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जिसका पेयर बन गया वो हमारा क्या, यानी कि 2 into 2। दो पेयर बने, एक यहाँ से उठाया, एक उठाना है, लेकिन पेयर बना के उठाना है। तो 2 into 2 क्या हो गया हमारा, 4। यानी कि HCF of 20 and 24 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, HCF का मतलब क्या है, यानी कि 20 और 24 को 4 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, ओके। तो अब ये HCF इसी तरीके से निकाला जाएगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एक और एग्जांपल लेंगे और वो हमारा 3 नंबर का होगा, सो दैट कि आपको HCF 3 नंबर का निकालना आ जाए। अब हम HCF निकालेंगे। HCF निकालने के 2 मेथड हैं, दोनों के दोनों मेथड हम आपको सिखाएंगे। इस मेथड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल रहे हैं, ओके। तो पहले क्या करेंगे, 56 का। तो अब ये बड़ा नंबर है, हो सकता है आपको डायरेक्ट डिवाइड करना ना आए, तो फिर क्या करना है, मैंने आपको सिखाया है, अलग से डिवाइड करके देख लो। 2 2 4, ओके, 1 बचा, 2 8 16। तो ये हमें कहाँ लिखना है, ये हमें यहाँ लिखना है 2, ओके। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 28 आ गया। और अब ये कहेंगे, मैम आप हमेशा 2 से ही डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था, शॉर्ट डिवीजन मेथड सिखाया था लास्ट वीडियोस में, तो मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर हो तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से नहीं जाता है, फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं जाता है, फिर 5 से चेक करते हैं, 5 से नहीं जाता है, फिर 7 से चेक करते हैं। ऐसे हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अब फिर से 2 से 2 में जाता है, तो 2 1 2 2 4 8, ये हमारे किसके हो गए, 56 के। अब कहां अगर चलते हैं, 64 का करते हैं। तो 2 3 6 2 2 4, फिर यहां पे जहां पे भी कैरी वाला आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी नहीं आता है, फर्स्ट टाइम मतलब सीख रहे हैं, तो कैरी वाला आता है तो बाहर आप क्वेश्चन डिवाइड करके देख सकते हैं। इस तरीके से आप जो डिवाइड करोगे और यहां पे जो आंसर आएगा वो आप यहां लिख सकते हैं। तो देन 2 8 देन 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2, ओके। ये हमारे हो गए 64 के। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं 72 का निकालेंगे, ठीक है। 72 के फैक्टर निकालिए। अब ज्यादा बड़ा नंबर हो जाए तो आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, 2 3 6 1 बचेगा, तो ये 12 हो गया, 2 6 12,
फिर से टू वन जा टू, तो यहाँ पे वन बचेगा और ये 16 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टू एट, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, फिर टू नाइन जा 18 होता है। तो अब देखो टू पे तो जाता नहीं है सबसे छोटे प्राइम पे, तो हम क्या करेंगे थ्री पे जाएंगे, थ्री थ्री जा थ्री पे जा रहा है, थ्री थ्री जा नाइन, तो थ्री वन जा थ्री। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए दिस वन। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करें इनको लिख लेते हैं, 56 इज इक्वल टू, जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा वापस, ये आपको पता होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है 6 टाइम, ओके देन 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाया ये बन रहा है, ठीक है एक टू लिख लिया, HCF of 56, 64 एंड 72 क्या हो जाएगा इक्वल टू जो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो एक पेयर बनाया, एक पेयर में से एक टू निकाल लिया, फिर दूसरा पेयर बन रहा है, बन रहा है तो दूसरा टू लिख लिया, फिर तीसरा पेयर भी बन रहा है तो लिख लिया। ओके, फिर आगे देखो इस टू का कोई पेयर है, नहीं है कोई भी, यहाँ पे थ्री का कोई पेयर है कहीं पे, नहीं कोई पेयर नहीं है, तो इन नंबर्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया आंसर 8, HCF of 56, 64 and 72 क्या आ गया 8 आ गया, यानी कि 8 से तीनों नंबर डिवाइड होते हैं। मैंने बताया था कि फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े करना, यानी कि 8 जो है इनको इन सबको डिवाइड कर सकता है, तो इन तीनों का कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 8 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 होगा। अब ये हाईएस्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है, H का मेन यानी कि हाईएस्ट का क्या मतलब है, कॉमन फैक्टर का तो मैंने आपको कई बार मतलब बता दिया कि कॉमन का मतलब जो तीनों में हो, या अगर आपके पास दो नंबर है तो दोनों में हो, ठीक है। अब हाईएस्ट यानी कि वो बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो और वो तीनों में हो, कॉमन भी हो, तो आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फैक्टर लिखे मैंने 56 के, अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर का मतलब होता है कि इस नंबर को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इससे छोटे जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके टुकड़े कर लिए, वन वन डिवाइड सभी को करता है, सभी नंबर्स को करता है, टू भी डिवाइड करता है 56 को, फोर भी, सेवन भी, एट भी, तो ये सारे नंबर 56 को डिवाइड करते हैं, ये इसके फैक्टर हो गए, या फिर ये इनकी टेबल में आते हैं, ये भी आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में। 64 अगेन 64 क्या है आपका, इन नंबर से डिवाइड होता है, फिर फैक्टर, फिर हम क्या करेंगे, आपको देखिए 1 2 4 1 2 4 1 2 4 तीनों में है, ठीक है, तो ये तो फैक्टर हो गए, यानी कि कॉमन फैक्टर, देखिए कॉमन फैक्टर ये हो गया, कॉमन का मतलब जो सब में हो, तो अभी देखिए क्या 8 के बाद कोई बड़ा ऐसा नंबर है इन फैक्टर्स में से जो इन तीनों को डिवाइड करता हो तीनों में है, नहीं है ना, तो हम पहले क्या करते हैं कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन फैक्टर हमने लिखा 1 2 4 and 8। ओके, तो देखिए यहां पे मैंने कॉमन फैक्टर लिख लिए, लेकिन हमें निकालना क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा है 8, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझाया, तो एक्चुअली हमें वही यूज करना है, लेकिन हमें पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये एच है क्या, ये हाईएस्ट है क्या, यहाँ पे एच क्यों लिखा गया है। हमें मैथ कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार चीजें हमें समझ में आ जाएं तो मैथ जितना इजी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट मैथ से इजी नहीं है, तो आपको चीजें समझ कर करनी है। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई टॉपिक मुश्किल लगता है मैथ में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट हम आपको एक्सप्लेन कर सके, या फिर कोई टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है स्टिल आपको लग रहा है कि मुश्किल तरीके से समझाया है, तो हम उसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और जब हमने एलसीएम किया था तो एलसीएम में हमने क्या लिखा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टी यानी कि कॉमन मल्टीपल्स जो कौन हो और सबसे छोटा हो, एलसीएम में हमने ये सीखा। तो आई होप आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ होता क्या है और एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक डिवीजन मेथड होता है एचसीएफ निकालने का, वो सीखेंगे, ठीक है, वो आपकी क्लास में आ जाएगा, फिफ्थ या सिक्स क्लास में दोनों मेथड आ जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी
और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों से ही आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको कभी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे मैथ 6 से लेकर 12 तक का जो मैथ है वो पूरा कवर करेंगे इस चैनल पर। कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक आपको फर्दर चाहिए तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।